बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आपके तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पाकजात पूरा करे। दोस्तों आप देख रहे हैं ए बी कार एंड व्लॉग, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आप दोस्तों के लिए गाड़ियों और बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। अगर आप दोस्त ऐसे वीडियोज़ को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि गाड़ियों और बाइक से रिलेटेड जो मालूमात हैं वो आपको मिलती रहे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों आज जो बाइक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कौन सी बाइक है, इसकी कीमत क्या है, इसका मॉडल क्या है और आप इसे किस तरह बाय कर सकते हैं, ये तमाम तर मालूमात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखिए। दोस्तों आज की बाइक गनी मोटरसाइकिल है, 2012 मॉडल है। अगर आप गनी के लवर हैं, ये बाइक ख़रीदना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो 2012 मॉडल ये बाइक है, कंडीशन इसकी यूज्ड है, साहिवाल के रजिस्टर्ड ये मोटरसाइकिल है और इसके अलावा इसका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, फाइल भी बिल्कुल ओके है, न्यू पार्ट्स इसमें डाले गए हैं। इसके अलावा रिम और टायर इसका बेहतरीन कंडीशन में है, हेडलाइट वर्किंग कंडीशन में है, ट्यूनिंग भी बाइक की हुई है। इसके अलावा शाख इसके सीडी वाले हैं, आप देख सकते हैं कि शाख जो हैं सीडी वाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका यूज़ है जंपिंग के हवाले से वो बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा। चैन कवर और साइलेंसर जो है बाइक का वो भी बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में पड़ा है। अगर हम इस बाइक के फ्रंट साइड की बात करें तो फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं कि आपको हेडलाइट मिलती है और इसके अलावा मीटर है जो वर्किंग कंडीशन में है। बाइक का जो टायर है वो बिल्कुल जनरल कंडीशन में है। इंजन की अगर हम बात करें तो इंजन भी इसका बिल्कुल ओके है। इंजन में आपको अर्जेंटली कोई भी काम नहीं करवाना पड़ेगा। बैक साइड से भी बाइक बिल्कुल ओके है, बैक साइड की जो लाइट है वो बिल्कुल जनरल कंडीशन में है और इसके अलावा टायर और जो रिम है वो भी बिल्कुल ओके है। अगर हम इसके साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर में भी आपको कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिलता, जो पोशिश है इसकी बिल्कुल ओके है। और फिलहाल इन्होंने जो इसकी टैंकी होंडा की इस्तेमाल की हुई है, इसके जो जेन्युइन टैंकी है वो शायद आपको अभी नहीं मिले क्योंकि 2012 मॉडल काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन बाइक के हवाले से आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाइक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको बर वक्त मिलेंगे। और इसके अलावा साहिवाल की ये रजिस्टर्ड गाड़ी है और साहिवाल के अंदर ही मौजूद है। कीमत की अगर हम बात करें तो ऑनर की तरफ से 21,500 इसकी डिमांड है, लेकिन आप दोस्त जानते हैं कि ये डिमांड फाइनल नहीं होती, बार्गेनिंग की गुंजाइश मौजूद होती है। तो दोस्तों बाइक आपके सामने है, अगर आपको ये पसंद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो बाइक को ख़रीदने के हवाले से जो दीगर डिटेल हैं वो आपको मिल जाएंगी और आप इसको बआसानी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।